नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। ब्रजेश जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, अजय शाह जी गुड मॉर्निंग, पवन जी गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ब्रजेश जी, अजय जी, पवन जी आपको? ललित जी ओके मॉर्निंग, मनजीत सिंह जी हेलो हाउ आर यू, मनोज कुमार जी गुड मॉर्निंग, नेमी चंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, बीना जी गुड मॉर्निंग, अफरोज जी वेरी गुड मॉर्निंग, नागेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग, पवन जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना सर? प्लीज़ वॉइस क्लियर है? वैसे तो पवन जी बोल रहे हैं यस, थोड़ा सा और मेरे को बता दें तो। अजय जी थैंक यू सो मच, थैंक यू नितेश जी। तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त अजय शर्मा। और इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले जो सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा वो यही करूंगा कि आज का जो ये जो लाइव सेशन है ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो नहीं करते हैं अगर वो इस लाइव के अंदर आ गए हैं तो उनके लिए शायद ये लाइव सेशन नहीं होगा। लाइव सेशन उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो ओके लाइफ केयर में हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं। थैंक यू बीना जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग किसी भी कंपनी में हो या ओके लाइफ केयर में हो या किसी भी कंपनी में हो, तो आज का सेशन जो है वो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना केवल आज बल्कि हमेशा लाइफ में, जब भी जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, क्योंकि जिसको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाता है शायद वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचता भी शायद नहीं है कि भाई मैं इसके अलावा कुछ करूँगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर उसको समझ में आ जाता है कि जो ड्रीम्स मेरे कहीं और से पूरे नहीं हो सकते हैं वो सारे के सारे ड्रीम जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से मैं पूरे कर सकता हूँ। तो आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और इस सेशन में दो तरीके के लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आज। एक वो जिन्होंने अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया है पहले वो, और दूसरे वो व्यक्ति होंगे जो पुराने हमारे लीडर हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो एक्सपीरियंस लीडर हो गए हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की चाहे उन्होंने एक कंपनी की या दो की या तीन की या चार की या किसी की पहली कंपनी हो सकती है, और कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट लेवल पे आप पहुंच गए हैं और अपनी टीम को लीड कर रहे हैं ऐसे लोग। और जो टीम को लीड नहीं कर रहे हैं वो उनको मैं बिल्कुल फ्रेशर या नया ही मानूंगा, जिनकी कोई टीम नहीं बनी है। तो आज का टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा, मैंने उसके अंदर डाला है। आज की जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग है। बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और बेसिक को अगर हम हिंदी में बात करें तो बुनियादी, ट्रेनिंग का प्रशिक्षण, और बेसिक्स की बात करें तो बुनियादी। तो बेसिक ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो बेसिक जैसे मैंने बोला बुनियादी, तो उसी से आपको ये पता हो सकता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए अगर आप उसकी बुनियाद को अच्छी तरीके से, उसकी बुनियाद का अगर अच्छी तरीके से निर्माण करेंगे तो आप उस सिस्टम के अंदर बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से एक मकान आप बना रहे हैं उस मकान की बुनियाद यानी कि नींव अगर मजबूत होगी, तो ये मान के चलिए फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक्स को बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, वो बेसिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और बेसिक्स का ध्यान तब आता है जब कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है या लीडर का बिजनेस जब डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो वो आत्ममंथन करता है कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। तो बाद में पता लगता है कि हम तमाम दुनिया भर की ट्रेनिंग्स अपनी लीडरशिप को दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो ना तो हम खुद देते हैं और ना अपनी टीम में उस चीज़ को लेकर डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी लीडरशिप बढ़ती है, जैसे जैसे आपका पे आउट बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट का लेवल भी हमारा धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। और जब माइंडसेट का लेवल आपका चेंज हो जाता है तो ऐसे टाइम के अंदर हमने जो शुरुआती दौर के अंदर जो चीज़ें की थी उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने वो विकसित माइंडसेट के हिसाब से हम लोगों को समझाना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये कुछ काम नहीं करती हैं। बल्कि कई लीडर्स के मुँह से तो मैं सुनता भी हूँ, कई अचीवर्स के मुँह से मैं सुनता हूँ कि ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो पुरानी हो गई हैं, बेसिक ट्रेनिंग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है। जबकि बेसिक्स अगर वो ये बोल रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब वो बुनियाद को ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
बेसिक ट्रेनिंग जब तक आप किसी अपने टीम के अंदर नहीं देंगे, बेसिक्स को जब तक लोग नहीं समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग के, तब तक आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। हाँ, कभी बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, अचानक धड़ाम से जो है वो बिजनेस नीचे गिरेगा, क्योंकि आपने बुनियाद को यानी कि बेस को मजबूत नहीं किया है। जैसे मैंने बोला कि आज के इस लाइव में दो टाइप के लोग होंगे, सबसे पहले वो लोग हैं जो फ्रेशर होंगे या जिन्होंने कोई टीम नहीं बनाई होगी, दूसरे वो लोग होंगे जो अपनी टीम को कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, पहली चीज आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप ने स्टार्ट कर दिया है, ओके लाइफ केयर में स्टार्ट किया है या किसी अदर अच्छी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने स्टार्ट किया है, तो एक चीज समझ लीजिए कि जब तक आप 2 से 3 साल का माइंडसेट सबमिशन मोड का लेके यहां पे नहीं आएंगे, तब तक आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो जितने भी आज के ये वीडियो को आज देख रहे हैं या इन फ्यूचर कभी भी ये फेसबुक पे रहेगा, तो आप इसको अगर वीडियो को लाइव को देखेंगे, तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप आ रहे हैं तो इसको एज ए करियर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको कम से कम 2 से 3 साल का माइंडसेट लेके स्टार्टिंग फेज में इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस 2 से 3 साल के अंदर आपको सबमिशन मोड के अंदर रहना पड़ेगा। सबमिशन मोड का मतलब क्या होता है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा सिस्टम के हवाले, अपने जो कंपनी का सिस्टम है, हमारा जो कंपनी का सिस्टम है या आपकी अप्लायंस जो आपको ट्रेनिंग देती है, उनके सामने आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल उनके मतलब पैरों में गिर जाओ वाला सरेंडर नहीं बोल रहा हूं। सरेंडर का मतलब होता है जैसे एक टीचर के सामने एक शिष्य जो है वो हर चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जो टीचर उसको बताता है, जो टीचर उसको सिखाता है, उन सब चीजों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उसी तरीके से सबमिशन मोड के अंदर आपको काम करना है। आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हैं, आप अगर उनके स्टार्टिंग मोड को जाके देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को सबमिशन मोड के अंदर रखा, जो भी कंपनी के सिस्टम ने उनको करने के लिए बोला, जो कंपनी का सिस्टम बोलता था, उन चीजों को उन्होंने फॉलो किया, या उनकी जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो कामयाब सक्सेसफुल अपलाइन थी, उनका कहना माना, तो आज वो भी कामयाब हो चुके हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई अदर फील्ड हो, उस फील्ड का जो भी जानकार व्यक्ति होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो कामयाब व्यक्ति होता है, अगर उसका आप कहना मानना शुरू कर देते हैं, वो जो आपको बोलता है, जो गाइड करता है, उस पर अगर आप चलना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता ना केवल डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, वहां पर आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो नए लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी व्यक्ति किसी एक कंपनी में जब आप आ जाते हैं, सबसे पहले तो सही कंपनी का आप चुनाव करें बहुत सोच समझ के। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है कि लोग किसी कंपनी में आते हैं, 2-4-5-6 महीने काम करते हैं, फिर कोई नई कंपनी आ जाती है और वो कहती है हम इससे ज्यादा पे आउट दे रहे हैं या इससे अच्छी सर्विस हम दे रहे हैं। शुरुआत में हर कंपनी यही बोलती है, और हर कंपनी जो आती है वो कोई किसी ना किसी पुरानी कंपनी को या तो कॉपी करके आती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आती है जिससे कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो। इसी को हम मार्केट के अंदर कंपटीशन बोलते हैं, कि कंपटीशन जो है वो इसी चीज का नाम है। तो पहली चीज तो आप एक कंपनी का चुनाव कर लीजिए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी करनी है, और उससे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा अच्छी तरीके से जान लीजिए। वो आज पूरे सेशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा सेशन हो जाता है क्योंकि वो टॉपिक ही अलग है। तो पहले तो डायरेक्ट सेलिंग आपको पसंद है या नहीं है, क्योंकि जो काम आपको पसंद ही नहीं है उस काम को अगर आप करेंगे तो फिर आप उस काम को दिल से नहीं कर पाएंगे। और इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग जो नाकामयाब हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वो कहीं ना कहीं दिल से पसंद नहीं करते हैं। मजबूरी में जो काम करना पड़ता है उसके अंदर आपको बड़ी सफलता कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन जो काम आपको दिल से पसंद है अगर उस काम को आप करते हैं तो उसके अंदर आपको बड़ी सफलता जो है वो 100% निश्चित रूप से मिलती है। तो पहली चीज तो डायरेक्ट सेलिंग आपको पसंद है तो ही डायरेक्ट सेलिंग में आइए। दूसरी चीज, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप आ गए हैं तो कम से कम 2 से 3 साल का माइंड लेके आइए एक कंपनी के लिए। ऐसा नहीं कि 3 साल में 4 कंपनी बदल ली या 5 कंपनी बदल ली तो आप कामयाब नहीं होंगे। और एक चीज जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो होती है फेस वैल्यू। कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू भी खराब हो जाएगी। तो एक कंपनी के अंदर 3 साल का माइंडसेट लेके आइए कि मेरे को जो एक्चुअल में अचीवमेंट आएगी वो 3 साल के अंदर आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बल्कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते हैं। जब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जाता हूं या अपनी लीडरशिप से मिलता हूं या जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना हैंड रेस करते हैं कि हम जॉब करते हैं। तो हम उनसे एक सवाल करते हैं कि भाई ठीक है आप जॉब करते हो तो कितने साल से जॉब कर रहे हो। मान लीजिए उदाहरण देता हूं, मैंने एक आदमी से पूछा भाई साहब कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने बोला सर मेरे को जॉब करते हुए तकरीबन 27 साल हो गए। सैलरी कितनी है सर? 30 से 40 हजार रुपये महीना। 27 साल से कोई व्यक्ति काम कर रहा है और 30 से 40-50 हजार रुपए महीने के बीच में ही झूल रहा है।
अब अगर मैं उससे पूछता हूँ कि ये 30-35 हज़ार की सैलरी आपकी 1 लाख में कब कन्वर्ट होगी, तो कईयों को मालूम नहीं होता, वो कहता है हाँ जी हो जाएगी 4-5 साल में। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 27 साल में नहीं हुई, आपने 10-12 हज़ार से शुरू किया था तब 37 पे पहुंचे हो, तो अगले 27 साल से ज्यादा लग जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी, ये सैलरी 1 लाख की होने वाली नहीं। ये जॉब का एक नेचर है, ठीक है, जो नॉर्मल हम जॉब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जहां भी पहले काम करते आए हैं दोस्त, वहां पे पूरी जिंदगी लोगों की निकल जाती है, 1 लाख रुपए की इनकम पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें किसी भी अच्छी कंपनी में और अच्छी लीडरशिप के साथ और अच्छी टीम के साथ, अगर आप 2 से 3 साल एक ही कंपनी में डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है कि 1 लाख से ऊपर की अर्निंग आज की डेट में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जॉब में आपका माइंडसेट होता है जहां पे 1 लाख कभी नहीं आता, 2 लाख कभी नहीं आता, तो वहां पे पूरी जिंदगी का माइंडसेट लेके हम जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम 3 साल का माइंडसेट लेके एक कंपनी के अंदर ज्वाइन नहीं करते। तो इसको दुर्भाग्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर किसी व्यक्ति को बोलो तुम्हारी जॉब लगेगी 30 हज़ार रुपये, वो 30 हज़ार की जॉब, 12 घंटे काम, मालिक की सारी बात सुनने के लिए तैयार है, सर्दी गर्मी बरसात में काम करने के लिए तैयार है, मालिक अगर उसको कोई अपशब्द बोलता है वो भी सुनने के लिए तैयार है, वो सारे काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 2 से 3 साल सीखते हुए काम करना है और 2 से 3 साल के बाद आपको 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की अर्निंग आ सकती है और ऐसी इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब यह होता है कि जब काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। जॉब में बहुत सारे लोग सैलरी जरूर लेते हैं, लेकिन जॉब और नेटवर्क बिजनेस में फर्क क्या है कि जॉब जिस दिन छूट जाएगी उस दिन सैलरी आनी बंद हो जाएगी। जॉब में जिस दिन आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी उस दिन सैलरी आनी बंद हो जाएगी। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में भी जब तक आप काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, तब तक आपको पैसा आएगा, जिस दिन आपका बिजनेस बंद हो गया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। इस कोरोना काल में आपने देख लिया बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए, बड़े बड़े होटल्स बंद हो गए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है, लोगों की जॉब छूट गई है। ऐसे ऐसे लोगों को हम फेसबुक पे देख रहे हैं जो MBA किए हुए हैं, कोई आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई चाउमीन की रेडी लगा रहा है, कोई भटूरे की रेडी लगा रहा है, ऐसी बहुत सारी तमाम वीडियो जो है आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी कि भाई अब काम करना था तो कुछ ना कुछ काम तो करना है। काम कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जॉब के बड़े बुरे हालात हो गए हैं और बिजनेस के हालात आज की डेट में कोरोना के अंदर आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके के हालात कोरोना के अंदर हो गए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप 2 से 3 साल करते हैं तो यहां पे एक टीम का निर्माण करना पड़ता है, एक टीम आपको बिल्ड करनी पड़ती है, जिसको लोग बोलते हैं मेंबर बनाने वाला काम है। जो बाहर के सामाजिक लोग हैं उसको, मेरे भी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी ये बोलते हैं ये तो मेंबर बनाने वाला काम करता है, एक्चुअल में उनका माइंड सेट ही इस तरीके का है, उनको लगता है कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, उनको मेंबर बनाने वाला काम लगता है, लेकिन हमें नेटवर्क बनाने वाला काम लगता है। नेटवर्क बनाना और मेंबर बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है, और मेंबर आप कहां नहीं बने, किसके नहीं बने, हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग यूजर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, और दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं वो सभी लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया, उसका जो प्रोडक्ट है आपके और हमारे घर में यूज आते हैं, बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने एक नेटवर्क क्रिएट किया, अपना प्रोडक्ट लेके आया, आज हम सब लोग उसके नेटवर्क में, आपके मेरे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबा रामदेव का सामान लेते होंगे, हम उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि जिस व्यक्ति ने भी नेटवर्क क्रिएट किया है उसने बहुत बड़ी वेल्थ इस दुनिया के अंदर कमाई है। लेकिन बाहर की दुनिया में अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारे पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको बहुत कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने हैं और मेहनत करनी है। लेकिन समस्या लोगों के साथ क्या है कि लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर की दुनिया में 15 हज़ार की नौकरी के लिए वो 12 घंटे 2 पैरों पे खड़े होकर काम करता है, मालिक की तमाम बातें सुन लेता है, और सबसे बड़ी जो चीज है कि उसकी सैलरी कब बढ़ेगी इसके बारे में वो नहीं सोचता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सबमिशन मोड में रह के सीखते हुए, उसको जैसे ही वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है उसको 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर ही बहुत बड़े रिजल्ट चाहिए होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज किसी ना किसी कंपनी में, या तो ओके लाइफ केयर में या किसी ना किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होंगे, और 1-2 साल के अंदर ही आपका एंटीना हिलना शुरू हो गया होगा, आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब हमारे को लोग बोला करते थे इस इंडस्ट्री में आपको तकरीबन 5 साल देने पड़ेंगे। 5 साल देने का मतलब है 5 साल सीखते हुए काम करना है, तब जाके आपको वो इनकम आएगी जो आपको अपनी जॉब या बिजनेस से नहीं आएगी। तो मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था 5 साल का माइंडसेट लेके आया था कि 5 साल के बाद इतनी इनकम होगी जो मेरी किसी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी की नहीं होगी।
लेकिन आज की डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है, आज की डेट में क्योंकि पहले यूट्यूब नहीं हुआ करता था, पहले जूम मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, पहले फेसबुक नहीं हुआ करता था, पहले व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था, तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम लोगों को दूर दूर सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था, लीडर को भी दूर से आना पड़ता था। लेकिन क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, इसलिए आज की डेट में हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम से शिद्दत के साथ अगर 3 साल किसी भी कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को अगर 3 साल वो दे देता है तो उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो जितने भी नए लोग हैं जिनका बिजनेस, अब नए लोगों से मेरा मतलब है जिनका बिजनेस डेवलप नहीं हुआ। अब कई लोग क्या करते हैं, 1-2 कंपनी कम करके आते हैं, यहाँ नए हैं, लेकिन वो पुरानी चीज को ढोके लेके आते हैं कि मैं तो उस कंपनी में फलाना लेवल पे था। अरे भैया वहां पे आप थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको 0 से बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 होना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका बिजनेस नहीं ग्रो हुआ, जिसकी टीम नहीं बन पाई है, वो समझ लीजिए सारे के सारे आप लोग फ्रेशर हैं। तो आपको किन चीजों पे ध्यान रखना, उन चीजों के बारे में बात करूंगा। दूसरा पॉइंट जो है, मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहूंगा जो ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, जो ऑलरेडी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। अब उनके साथ समस्या क्या है कि वो अपनी टीम में तमाम दुनिया भर की ट्रेनिंग देते हैं, दुनिया भर की बुक्स पढ़ के ट्रेनिंग तैयार करते हैं, दुनिया भर के लीडर्स की ट्रेनिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल गए हैं कि भैया बगैर बुनियादी प्रशिक्षण के, बगैर बेसिक ट्रेनिंग के आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ये क्लियर है, बगैर बेसिक ट्रेनिंग के आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम आज की डेट में जो बात करेंगे वो बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे कि बेसिक ट्रेनिंग क्या है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और जितने भी बड़े लीडर हैं उनको मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, एक बात उनके साथ जरूर मैं करना चाहूंगा कि आप वो दिन ध्यान कीजिए कि जब आप पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के किसी प्रोग्राम या किसी सेमिनार के अंदर गए थे, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के पहले किसी प्रोग्राम या सेमिनार में गए थे और जब आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया था, तो वो कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था, जिनको आप जिन बातों को से आप प्रभावित हुए थे और आपको लगा था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप में से हर एक लीडर एक ही बात बोलेगा कि बेसिक चीजों के बारे में हमें शुरू में बताया गया था, जिनको हमने समझा और हमने काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे आपकी और हमारी लीडरशिप बढ़ती चली जाती है, हम बेसिक्स को साइड में रख देते हैं, हम दूसरी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, नए आदमी का माइंडसेट उसको अडॉप्ट करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि लीडर आपके साथ कम आएंगे। ध्यान रखिए, लीडर आपके साथ कम आएंगे, वो लोग बहुत ज्यादा आएंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो नॉलेज नहीं है, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग्स के अंदर जाता रहा मुझे समझ में आया। तो आज हम बेसिक ट्रेनिंग की बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है, और अगर इनको आप समझे ढंग से और लोगों को समझाया तो यही बुनियाद जो है आपके बिजनेस की बड़ी करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए आते हैं, पुराने लोग भी इस काम को करें और नए लोग भी इस काम को करें, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको काम करनी है वो है लिस्ट बनाना। और मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखता हूं कि आज की डेट में लिस्ट बनाना तो तकरीबन लोगों ने बंद कर दिया, लिस्ट बनाना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे ही आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, हम तुरंत बोलते हैं कि भाई साहब आप सीधा फील्ड में उतरो और आप काम करना शुरू करिए। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, हमें बार बार हमारी अपलाइन बोलती थी कि अजय जी लिस्ट बनाइए, अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहला बुनियादी काम जो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जाएगा वो है लिस्ट मेकिंग, उसके बगैर काम चल नहीं सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति की लिस्ट नहीं होती वो 4-5 लोगों का प्लान दिखाता है, आपने महसूस किया होगा, 4-5 लोगों को प्लान दिखाने के बाद जब उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है कि ये काम मेरे बस की नहीं है, सर मेरे पास तो अब लोगों के नाम ही नहीं है, मैं तो लोगों को जानता नहीं हूं। ऐसे तमाम लोगों के आपके बहाने सुने होंगे। लेकिन जब आप लिस्ट बनवा देते हैं किसी व्यक्ति की, तो लिस्ट कम से कम 50-100 लोगों की आपके पास होनी चाहिए। और किसकी लिस्ट बनानी, सबसे पहले क्लोज फ्रेंड, जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड है उनकी आप लिस्ट बनाइए, वो आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में उल्टा होता है, जैसे हम किसी को ज्वाइन कराते हैं वो जिसको जानता नहीं है उसके घर ले जाके बैठा देता है हमें कि सर इनको बताओ, वो उसको अच्छी तरीके से नहीं जानता, उन दोनों का कनेक्शन अभी रिलेशन अच्छा नहीं है, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है, और उस व्यक्ति को हम जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं एज ए अपलाइन, वहां रिजल्ट नहीं निकलता। सबसे पहले जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्लान के बारे में आपको बताना है, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। दूसरे जो होते हैं, एक तो क्लोज फ्रेंड हो गए, दूसरे हो गए रिलेटिव, रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार हैं दूसरे नंबर पे हमें उनको रखना है, और आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं उनको रखना है। सबसे पहले क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड का मतलब अगर कोई आपका दोस्त बोले कि यार तुझसे मिलना है, और आप ये नहीं पूछो भाई क्यों मिलना है, आप ये बोलो बता भी कब मिलना है कैसे मिलना है, वो क्या अभी 4 बजे मिलना है यार दोपहर के अंदर, आपको ठीक है यार 4 बजे डन मिलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज रिलेशनशिप। दूसरे हो गए रिलेटिव और आपके पड़ोसी जो नियर डियर है उनको आप प्लान दिखाइए।
ऐसे लोग जिनको आप जानते हो, और तीसरी लिस्ट आती है लास्ट के अंदर जिनको आप नहीं जानते उनको भी आपको प्लान दिखाना है, उनसे रिलेशन बना के, रिलेशन संबंध बना के, उनसे दोस्ती करके उनको प्लान दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने बोला क्लोज फ्रेंड को आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, दूसरे नंबर पर मैंने बोला रिलेटिव और पड़ोसियों को प्लान दिखाना है, और तीसरे नंबर पर मैंने बोला जिन लोगों को आप नहीं जानते उनको प्लान दिखाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, और उल्टे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन लोगों की तरफ चले जाते हैं जिनको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं होता, जो हमें जानते ही नहीं है, और ऐसे दो चार पांच दस लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, उनसे उनके ऊपर, उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होते, और मैक्सिमम लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से क्विट कर जाते हैं। तो इस चीज को आप अपने टीम के अंदर बिल्कुल सख्ती से आपको बनाना है कि जिस आदमी की लिस्ट नहीं बनेगी उसको हम, उसका हम मार्केटिंग प्लान नहीं करेंगे। मैंने इसको अपनाया सर, मैं जब शुरू के अंदर काम किया करता था, जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया तो मैं जिस भी व्यक्ति के पास जाता था पहले बोलता था, भाई साहब डायरी में आपने नेम लिस्ट बनाई है, अगर नहीं बनाई तो सॉरी बॉस हम आपके साथ प्लान नहीं करेंगे, लिस्ट बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब तक उस आदमी की 50 से 100 लोगों की लिस्ट नहीं होती थी हम उसका प्लान दिखाने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में प्लान दिखाने चले जाते हो और वहां पर आपको जो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पाते। सबसे पहली चीज जो है वो क्या करनी है कि आपको लिस्ट बनवानी है। लिस्ट कैसे, सबसे पहले क्लोज फ्रेंड जो आपकी बात को सुनते हैं, उसके बाद रिलेटिव और आपके जिनको आप जानते हैं पड़ोसी, और सबसे लास्ट के अंदर जो है कोल्ड कॉलिंग जो होती है उन लोगों को आपको प्लान दिखाना है। जब आपकी एक्चुअल में लिस्ट खत्म हो जाए फिर हमें कोल्ड कॉलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा, आज की डेट में आप सबने भी लिस्ट पे काम करना बंद कर दिया है, आपकी टीम जो है आप उन्हीं के साथ काम किए जा रहे हो, आपकी भी अपनी एक लिस्ट होगी, आप भी अपने, आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी होंगे जिनको आप प्लान दिखा सकते हैं। मैं अब बहुत जल्दी, बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि भाई टीम बन गई अजय जी की तो अब तो अजय जी काम नहीं कर पाएंगे, मैं अब आपको एक अपने वाकई ये चीज किस तरीके से काम करती है वो चीज मैं काम करके दिखा रहा हूं। मैं लेफ्ट में एक व्यक्ति और राइट में एक व्यक्ति अपने दम पे पकड़ रहा हूं, एक लेफ्ट में व्यक्ति पकड़ रहा हूं अपनी टीम में, एक राइट में अपनी टीम में एक व्यक्ति पकड़ रहा हूं नई कॉलिंग से, आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिखाऊंगा और उनके नीचे से बिजनेस करके मैं आपको बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बिजनेस होता है, क्योंकि हमने पहले भी किया है अब भी हम उस चीज को कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको फिर मैं, आप समझ पाएंगे उस चीज को कि वाकई ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम बिजनेस ब्लॉक करना बोलते हैं कि अगर नीचे से आपने बिजनेस को पकड़ लिया और बीच वाले लोगों में से अगर कोई भी एक इंसान छोड़कर जाता है तो कम से कम बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिलता रहे। दूसरी जो चीज है, जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो दूसरी चीज हमें करनी है कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइटिंग, यानी जिन लोगों की आपने मीटिंग लिस्ट बनाई है उन लोगों को आपने कॉन्टैक्ट और इन्वाइट करना है और उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुलाना है। अब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहाँ पे बुलाना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए 3-4-5 घंटे की ट्रेनिंग भी कम है किस तरीके से कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट किया जाता है, वो पूरे तरीके हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो हैं, आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग किस तरीके से करते हैं यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, जब आप उसको कॉन्टैक्ट और इनवाइट करेंगे तो कहाँ पे इनवाइट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बेहतर तरीका होता है आप अपने घर पर उसको बुलाएं, सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप अपने घर पे उसको बुलाएं। जस्ट एक मिनट जरा, सॉरी कोई आया था जरा। तो सबसे पहली जो है वो क्या है कि आप अपने घर पे बुलाएं। अब मैं अपने घर पे बुलाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, देखिए मैंने एज ए गेस्ट आपको अपने घर पे बुलाया, आप मेरे घर पे आए और मैं अपने घर में प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं और मेरे घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मैं उनको कह सकता हूं भाई आप एक घंटे के लिए जरा आराम से बैठें क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मेरे घर में कोई टीवी नहीं चलाएगा, मेरे घर में कोई शोर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसके घर जा रहे हैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो समस्या क्या हो सकती है, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाते हैं तो आपके साथ समस्या ये होती है कि उसके घर में वो अपने बच्चे को डांटता नहीं है, उसके घर में अगर कोई रिलेटिव आ गए, उसके घर में कोई रिश्तेदार आ गए तो वो आपसे बात नहीं करेगा, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों से बात करेगा। लेकिन मेरे घर में अगर गेस्ट भी आ गए, मेरे रिश्तेदार भी आ गए, तो मैं उनको बोलूंगा अभी थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद जो है मैं जो है आपसे बात करता हूं क्योंकि मेरे गेस्ट आए हैं, इनको मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाना। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी भी नए गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखाने का वो होता है अपना खुद का घर। दूसरे लेवल पे आप उसको किसी अपनी सेमिनार में आप इनवाइट कर सकते हैं, जो भी आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उसको आप सेमिनार में आप इनवाइट कीजिए।
अगर फिजिकल सेमिनार आपके क्षेत्र में हो रहे हैं या वीकली मीटिंग आपके क्षेत्र में होती है उसमें आप करें। सबसे पहले वन टू वन में सबसे पहले अपना घर नहीं है तो अपलाइन का घर चलेगा, अपलाइन के घर पे लेके जाइए, और अपलाइन का और अपना घर नहीं है लास्ट में एक ऑप्शन बनता है उसके घर पे। लेकिन उसके घर में जाने से पहले आप ये निश्चित कर लें कि सर हम एक घंटे के लिए आपके पास आ रहे हैं, एक घंटे का हमारा प्रेजेंटेशन है और एक घंटे के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है, किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो उसके घर में नहीं होगी, वहां पर आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है। दूसरा, आप ग्रुप मीटिंग जहां पे भी आपकी वीकली मीटिंग्स होती हैं, सेंटर्स होते हैं हर कंपनी के अंदर, उस सेंटर पे आप उस व्यक्ति को ले जा सकते हैं, नहीं तो किसी बड़े इवेंट बड़े सेमिनार के अंदर आप ले जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज तो सर आज घर बैठे बैठे जूम पे प्रेजेंटेशन होती है, जूम पे प्लान होते हैं, आप जूम पे भी उस व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं, जूम पे लाके आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं जिसके अंदर आप कर सकते हैं कि आप वन टू वन मीटिंग करें या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप बैठे जहां पे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला आपको ना हो। बहुत सारे लोग पार्क में बैठ जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता क्योंकि जिसको बुला रहे उसको चाय कॉफी तो कम से कम पिलाना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग उनके ऑफिस में चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो स्कूल के अंदर पढ़ाता है वहीं चले गए, जिस स्कूल में आ जाओ 2-4-5-10 टीचर हो रहे हैं उनको भी मैं बैठा दूंगा, तो लोग कहते हैं ठीक है। अरे भैया पहले उसने प्लान नहीं समझाया, उसके 10 टीचर को आप और समझा रहे हैं, एक भी नेगेटिव निकल गया और सबको नेगेटिव कर देगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अभी जितने पुराने लीडर शायद मेरे इस लाइव को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा क्या बातें कर रहे हैं सर, ये चीजें तो हमें मालूम है, ये चीजें भैया मालूम होने से कुछ नहीं होता, उसको बुनियाद में कहां इस्तेमाल कर रहे हो आप, उसको कहां लगा रहे हो। यही चीजें आपने शुरू में की थी तो आप एक लीडर बने थे, यही चीजें आपको टीम में करानी पड़ेंगी। इसमें टाइम लगता है, इसमें वक्त लगता है, नींव भरने में वक्त लगता है दोस्त, लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग खड़ी होती है उस नींव के ऊपर खड़ी होती है। लेकिन हम लोग वक्त देने के लिए तैयार हैं, हम लोग भी बहुत जल्दबाजी के अंदर काम करते हैं। तो पहली चीज हो गई बेसिक में आपका लिस्ट बनानी है, दूसरी चीज कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट करना है, और तीसरी चीज होता है एसटीपी प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाने में आज की डेट में क्या हो गया, मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे 1.5 घंटा लगा देंगे, 2 घंटा लगा देंगे, 2.5 घंटा लगा देंगे। एक प्रेजेंटेशन दिखाने में, एक मार्केटिंग प्लान में 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक लोग लगाते हैं, और 2-2.5 घंटे तक उनके घर से नहीं उठते हैं। सामने वाला अपनी बार बार घड़ी देखता है कि मुझे जल्दी से भाई फ्री कर, मुझे अपने घर जाना है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 1-1, 2-2, 3-3 घंटे उनके साथ लगे रहते हैं। बॉस जब आप 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे किसी आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, आप अपनी जगह ठीक हो, आप चाहते हो कि मैं आज उसको ऐसा करके भेज दूं कि वो तैयार हो जाए, लेकिन आपको नहीं मालूम अंदर ही अंदर वो व्यक्ति डर रहा होता है, उसको लगता है कि भैया जितनी देर इसने मुझे पकाया इतनी देर मैं किसी और को नहीं पका सकता हूं, ये बहुत मुश्किल है, मैं इस तरीके से समझा सकता हूं जिस तरीके से समझाता है। तो तीसरा पॉइंट एसटीपी, शो द प्लान, उस व्यक्ति को प्लान दिखाएं। और प्लान दिखाते समय एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें, प्लान बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। प्लान के टाइम पे प्लान होना चाहिए, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आजकल तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हमारी ही कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो बीओपी करते हैं, तो बीओपी के अंदर वो ट्रेनिंग इन्वॉल्व कर देते हैं। नए आदमी को ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, नया आदमी आया है कि वो आपकी कंपनी से क्या जुड़ेगा, उसको क्या रिटेल प्रॉफिट मिलना है, प्रोडक्ट खरीदने से क्या फायदे होने हैं, और किसी को अगर ज्वाइन कराता है तो वो क्या फायदे होने हैं, हम उसके अंदर ट्रेनिंग डालने की कोशिश करते हैं। वो पूछ भी नहीं रहा फिर भी हम उसको ट्रेनिंग समझाने की कोशिश करते हैं। तो एसटीपी में अगर आप बहुत बड़ा करते हैं तो मुश्किल है, एसटीपी के अंदर अगर आप ट्रेनिंग डालते हैं तो भी आपके लिए खतरनाक है। एसटीपी बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, और दूसरी चीज टू द पॉइंट होनी चाहिए जिससे कि उसको समझ में आ जाए, और डुप्लीकेबल होना चाहिए। आपका जो एसटीपी होना चाहिए वो डुप्लीकेट होना चाहिए। अपने आपको चेक कीजिए, आप जितने भी तमाम बड़े लीडर हैं उनको आप अपने आपको चेक कीजिए कि एक्चुअल में जो एसटीपी आप दिखाते हो बहुत एनर्जेटिक होके, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, अपने कुछ तरीके डाल के, जो कंपनी ने आपको नहीं बोले होंगे, जो आपकी अपलाइन ने आपको नहीं बोले होंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ इजाद करके उसके अंदर डाल दिया। आप अपनी टीम में चेक करके देखिए कि हजारों लोगों में कितने लोग उसको डुप्लीकेट कर पाते हैं। मैं गारंटी देता हूं 10 लोग नहीं ढूंढ पाएंगे आप जो एक्चुअल में आपकी तरह डुप्लीकेट हुए हों उस एसटीपी को देने के लिए। लेकिन उसके विपरीत जब अपने एसटीपी को आप बहुत सिंपल रखते हैं, और नए आदमी तो घबरा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि लोगों को मैंने बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान दिखाया था, लोगों ने मना क्यों कर दिया। भैया वो डर गया, वो समझता है कि जितना अच्छा ये बोलते हैं, जितनी देर ये बोल सकते हैं उतनी देर तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि नए आदमी को तो बोलने से ही डर लगता है। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था मुझे बोलने से डर लगता था दोस्त, आप इस इंडस्ट्री में आए थे आपको बोलने से डर लगता था, आपको जबरदस्ती खड़ा किया गया, आपसे जबरदस्ती बुलवाया गया, मुझे भी जबरदस्ती खड़ा किया गया, मुझे भी जबरदस्ती बुलवाया गया, तब आज मैं बोल पा रहा हूं। तो नया व्यक्ति बोलने से घबराता है, और हम उसके सामने 1.5-2 घंटे की जब स्पीच देते हैं तो वो ये सोच के कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्ट वे में आपको मना करता है, आपको समझ ही नहीं आ पाता, वो डर जाता है कि भाई
यार मैंने तो बहुत अच्छा प्लान दिखाया था और इसने मना क्यों कर दिया। तो प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। प्लान के अंदर किसी भी तरीके का कोई झोलझाल या किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग का इस्तेमाल ना करें, और डुप्लीकेबल होना चाहिए कि आपकी जो डाउनलाइन आपके साथ बैठी है, जिसका वो गेस्ट है, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो वो भी उसको सीख पाए, उसको लगे यार इतना सिंपल प्लान है यार, ये तो मैं भी दे सकता हूँ। जब आप सिंपल प्लान करेंगे तो आपकी डाउनलाइन के अंदर मोटिवेशन आएगा, वो कहेगा यार इतना सिंपल प्लान है, इतने बस 15-20-25 आधा घंटे के अंदर प्लान खत्म हो जाता है, तो यार ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो जितना प्लान को सिंपल रखेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर जो नया गेस्ट बैठा होता है, जिन चीजों की जरूरत भी नहीं होती है उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, दूसरी तीसरी चौथी कंपनी का नाम अननेसेसरी लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उसको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी को अपनी कंपनी का प्लान दिखाने गए, आप बोलो सर वो कंपनी भी चल रही है, वो कंपनी भी चल रही है, वो कंपनी भी, अब अननेसेसरी उसके दिमाग में चला गया 50 कंपनी चल रही है, इनको भी मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी कंपनी है। तो अननेसेसरी किसी दूसरी कंपनी का आपको नाम नहीं लेना है, जब तक वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करे, जब तक कंपैरिजन की बात ना आए तब तक आपको कंपैरिजन नहीं करना है। नए आदमी के लिए कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं होती, नए आदमी को सिंपल आपको प्लान दिखाना है। तो पहली चीज लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको भी बनानी है, आपको अपनी टीम में भी बनवानी है। दूसरी चीज जो है कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट जो है वो करना है, और या तो अपने घर पे या उसके घर पे या किसी वीकली मीटिंग में या फिर किसी बड़े सेमिनार में आप ले जा सकते हैं, सक्सेस सेमिनार में ले जा सकते हैं, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में जूम मीटिंग के अंदर अपनी टीम को ट्रेंड कीजिए, अपनी टीम को आप ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक तरीके से चलती फिरती एक फौज बना दीजिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत बड़ा बिजनेस जो है आपकी टीम कर पाए, जूम मीटिंग के अंदर आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। और तीसरा प्लान दिखाइए सिंपल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। और चौथी चीज जो होती है जो मैक्सिमम लोग आज की डेट में नहीं करते और अप्लाई भी नहीं करवाती है, वो है फॉलोअप। जब आप लिस्ट बनाते हैं लोगों की, डायरी के अंदर आपने लिस्ट बनाई है तो उसमें लास्ट में हम एक कॉलम छुड़वाते हैं, और कॉलम क्या होता है, वो कॉलम होता है कि यस या नो, मतलब वो किस मोड में है अभी। अगर उसने यस किया है तो यस डालिए, नो किया है तो नो डालिए, और अगर वो कह रहा है मैं सोच रहा हूं तो मे भी आ सकता है या नहीं आ सकता है। यस को आप पेन से टिक कर सकते हैं और नो अगर है तो उसको पेंसिल से कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अचीवमेंट आएगी, हमने इस इंडस्ट्री में देखा है जिन लोगों ने शुरुआत में हमें मना किया आज वो हमारे साथ आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो नो को परमानेंट मत समझिए कि जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट आएगी, जब आपको कामयाब होता हुआ वो देखेंगे तब वो आपके साथ आएंगे। कई लोगों के साथ गलती क्या होती है, वो 2-4-5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो लोग नहीं आते, वो डर के बैठ जाते हैं। अब वो 5 लोग क्या कहते हैं, वो वेटिंग पीरियड में थे, उनको डर था कि यार इसमें कामयाब नहीं होते, उनको डर था कि यार दुकान बदलने से यार पैसा कैसे आएगा, 2-4 लोगों को जुड़वा के पैसा कैसे आएगा, और आप बैठ गए तो वो उनकी उस बात पे, उस डर पे पक्की मोहर लग जाती है कि अच्छा हुआ हम इस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि ये व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ। तो वो वेटिंग पीरियड में है, आपने जो 50 आदमियों की लिस्ट बनाई है, एक ने मना किया, दो ने मना किया, तीन ने मना किया, चार ने मना किया, पांच ने मना किया, सात ने मना किया, दस ने मना किया, ऐसी नौबत आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं 40 लोग अभी आपके पास हैं, और 40 में से जब कुछ लोग जुड़ते हैं और उनके साथ जब आप काम करते हो उनकी लिस्ट बनवा के, तो फिर जब आपके चेक बनते हैं, वो चेक जब उनको दिखाते हो, अचीवमेंट जब उनको दिखाते हो, तो उनमें से कुछ लोगों को बिलीव होना शुरू होता है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था उसका जब पेआउट आया था, तो उसके पेआउट से मैं मोटिवेट हुआ था, यार इसी व्यक्ति को अगर पेआउट आ सकता है तो उससे अच्छा तो मैं भी बोल सकता हूं, इससे ज्यादा लोगों को तो मैं भी जानता हूं, तब मैं मोटिवेट होकर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है। और चौथा जो काम है, 4 बेसिक्स के अंदर चौथा जो काम आता है वो आता है फॉलोअप। सबसे जरूरी काम, कई बार बताया गया है, कई बार देखा गया है कि 80% रोल होता है प्रेजेंटेशन का प्लान का, एसटीपी का 20% रोल होता है, बल्कि मैं कहता हूं तो 90% प्रेजेंटेशन का, 90% जो है रोल जो होता है वो फॉलोअप का होता है, 10% जो काम जो होता है वो होता है आपका एसटीपी का। यानी कि जो प्लान आप दिखाते हो कई बार वो 10% ही काम करता है, और 90% जो काम करता है वो करता है फॉलोअप। और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, जिन लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया मुड़ के उनके पास जाते ही नहीं है, उनको कभी अपनी अचीवमेंट दिखाते नहीं है, नया प्रोडक्ट कोई आया उनको दिखाते नहीं है, कंपनी में कोई बड़ा सक्सेस प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में उसको चर्चा नहीं करते हैं, अपने पे आउट्स आते हैं वो भी उनसे शेयर नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा नाराज होकर बैठ जाते हैं कि बेटा तूने मुझे मना किया था, टेंशन मत ले, अब मैं तेरे पास तभी आऊंगा जब 1 लाख रुपए का चेक होगा, और गारंटी बता रहा हूं जब 1 लाख का चेक लेके जाओगे तब वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको शुरुआत में आपकी हेल्प चाहिए होती है, और 1 लाख में आप उसकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। तो फॉलोअप का मतलब होता है जिस व्यक्ति को भी आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, बीच बीच में जैसे जैसे आपकी कंपनी में कुछ नई चीजें, नई अनाउंसमेंट होती हैं, जैसे जैसे आपकी टीम के अंदर ग्रोथ होती है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, तो उसको व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उसको बताते रहें, फोन करके बताते रहें, उससे रिलेशन खराब नहीं करने हैं, उससे हमेशा रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि पहली ना कभी भी अंतिम ना नहीं होती। ध्यान रखिए शब्द को, पहली ना कभी भी अंतिम ना नहीं होती। मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तो मेरी चाची की लड़की ने जब मुझे
एक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में बताया था, मैंने कम से कम दसियों बार उसको मना किया था, दसियों बार उसने प्रोग्राम में बुलाया था और मैं एक्सक्यूज करके बहाना बना के मैं नहीं पहुंचा था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी रही और बाद में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, आज उसने वो इंडस्ट्री छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये पहली ना अंतिम ना नहीं होती है। तो जिस व्यक्ति को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया उसको हमेशा फॉलोअप में रखिए, आज नहीं तो कल वो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो फॉलोअप कितनी देर में होना चाहिए? 24 से 48 घंटे के अंदर। मेन फॉलोअप 24 से 48 घंटे में होना चाहिए। आज प्रेजेंटेशन दिखाया, तुरंत आदमी डिसीजन नहीं लेता है, वो घर में सलाह करता है, अपना दिमाग लगाता है, दो चार लोगों से पूछता है, उसके मन में कुछ डाउट कुछ सवाल आते हैं, तो 24 से 48 घंटे में अपनी अपलाइन के साथ जाके उसका दोबारा से फॉलोअप करना है, उसके जो भी सवाल जवाब हो प्रेजेंटेशन देने के बाद कि सब अभी हमने प्रेजेंटेशन दे दिया अभी क्या करना चाहते हो, तुरंत अगर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा तो लगाना नहीं होता है, सिर्फ दुकान चेंज करनी है, प्रोडक्ट चेंज करना है, तो कुछ प्रोडक्ट उसको देके आइए आपके, भैया साबुन हमारा यूज़ करके देखिए, चाय पत्ती यूज़ करके देखिए, पेस्ट यूज़ करके देखिए, शैम्पू यूज़ करके देखिए, जिससे कि क्या है वो एक प्रोडक्ट जब यूज़ करेगा तो उसको फील आएगा। कुछ टेस्टिमोनियल उसको दिखाइए, कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए कि सर हमारे जो हैं एक लेडी हैं उनके बहुत ज़्यादा बाल गिरा करते थे, ये शैम्पू उन्होंने लगाया, उनका ये वीडियो सुन लीजिए सर, एक आदमी के दांत में पायरिया था सर, उसके दांतों से स्मेल आती थी, दांतों में दर्द रहता था, ये पेस्ट का हमारा एक टेस्टिमोनियल इसको देख लीजिए। उनके घर में अगर किसी को बड़े बुजुर्ग हो उनकी अगर उनकी हेल्थ पूछिए वहां पे बैठ के कि इनकी हेल्थ कैसी, यार यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन घुटनों में दर्द है, अरे यार हमारी कंपनी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा तेज लाउडली बोलिए जो कि माताजी भी सुन लें पिताजी भी सुन लें कि एक हमारा ऑर्थोमेगा करके एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो घुटनों के दर्द में, बहुत सारे टेस्टिमोनियल, एक दो वीडियो उनको दिखाइए। हम क्या करते हैं अपनी टीम में, जो टेस्टिमोनियल उनकी वीडियोस बना के नहीं रख रहे हम लोग, जो आपका एक तरीके से मैं बोलूं शस्त्र है इस बिजनेस के अंदर, जब वो टेस्टिमोनियल आप दिखाएंगे तो उस व्यक्ति को बिलीव होगा और वो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट खरीदे, और उसके बाद उसको बोलिए अगर वो कहे अभी मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा तो उनको बोलिए ठीक है मैं एक दो दिन में आपसे दोबारा संपर्क करता हूं। तो 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी उसके डाउट हैं वो सारे सवाल लिखवाइए, अपनी अपलाइन को दोबारा लेके जाइए और दोबारा जाके उनके जो सवालों के आंसर दीजिए। अब क्या इसमें टाइम लगता है, अपलाइन को भी दोबारा जाना पड़ेगा, आपको भी दोबारा जाना पड़ेगा, और उतना टाइम देने के लिए आप तैयार नहीं है। आपने क्या किया, आज एक को प्लान दिखाया छोड़ दिया, दूसरे को प्लान दिखाया छोड़ दिया, तीसरे को प्लान दिखाया वो फॉलोअप से आ सकते थे लेकिन हमने फॉलोअप नहीं दिया, क्योंकि कई बार मैंने बोला 90% फॉलोअप काम करता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन प्लान सिर्फ आपका 10% काम करता है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप कीजिए, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो रेगुलर उसके साथ फॉलोअप कीजिए, हमेशा अपनी अचीवमेंट सारी चीजें उनके साथ शेयर करते रहिए, आज नहीं तो कल वो निश्चित रूप से आएंगे। ये 4 बेसिक्स जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस इंडस्ट्री में। इसमें अगर एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूं तो वो है लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते रहिए, क्योंकि ये बिजनेस मैंने बोला सबमिशन मोड में रहने का है, लर्न टीचर डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर टिका हुआ है, तो सीखना है कि किस तरीके से आपकी अपलाइन, मैं जब भी अपनी अपलाइन के साथ बैठता था कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, सामने वाले ने क्या सवाल किया, उन्होंने क्या आंसर फेंका, मैं एक छोटी सी डायरी में तुरंत नोट करता रहता था। एक दिन मेरी अपलाइन ने पूछा अजय जी जब भी आते हो मैं बात कर रहा होता हूं आप डायरी में क्या नोट करते हो, मैं बोलता था मैंने कहा सर सामने वाले ने आपसे क्या सवाल किया आपने उसका क्या आंसर दिया मैं तुरंत डायरी में लिख लेता हूं सर, कि ऐसा क्यों करते हो कि सर आप आज अभी मेरे साथ हो लेकिन जब मैं मार्केट में जाऊंगा यही सवाल अगर कोई मुझसे पूछ लेता अचानक तो मैं तुरंत उस डायरी में से देख के या मुझे याद आ जाएगा कि आपने आंसर दिया था, तो वहां पे आप नहीं होंगे तो डायरी मेरे काम आती है। लेकिन बहुत सारे डाउनलाइंस को मैं देखता हूं अपलाइन आ गया सामने गेस्ट आ गया अब वो मजे से मोबाइल खेल रहे हैं बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं सो रहे हैं इस तरीके की हरकत करते हैं, वो सीखने पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि अब तो अपलाइन देख लेगा। लेकिन मुझे ये चीज बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी कि अपलाइन के साथ कब तक, अपलाइन का साथ कब तक, एक दिन अपलाइन बिजी हो जाएगा, अपलाइन का जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो जो अपलाइन के अंदर क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए, मैं उस चीज पे फोकस करता था। यही कारण है कि आज आप किसी भी कंपनी का कोई मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाइए एक घंटे के बाद उससे बेटर तरीके से मैं मार्केटिंग प्लान आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि इस डुप्लीकेशन की पावर को आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि सीखने की जो पावर है वो बहुत जल्दी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब भी आपकी कोई अपलाइन प्रेजेंटेशन देती है तो बहुत फोकस उसके सुनिए, नोट डाउन कीजिए, और आजकल तो रिकॉर्डिंग के इतने अच्छे अच्छे दोस्त ऑप्शन आ गए, हमारे पास तो उस टाइम रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शन नहीं होते थे, बहुत अच्छी अच्छी उस टाइम पर ट्रेनिंग हुआ करती थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग के ऑप्शन नहीं होते थे, हम तो पेन डायरी भरा करते थे नोट्स बनाते थे और उसके बाद कुछ भूल जाते थे कुछ याद रहता था और उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन दिया करते थे। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, तो आपके पास तो आज की डेट में माध्यम और साधन बहुत ज्यादा हैं। तो इन चीजों पे आपने ध्यान रखना। अब 3 चीजें मैं और बताऊंगा
ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये थ्री कार्डिनल रूल हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जो ये जो फाइव बेसिक्स जो मैंने एक आपको मीटिंग ट्रेनिंग भी जोड़ दिया कि सबमिशन मोड में सीखने पे ज़्यादा ध्यान रहें, यानी कि अपनी अपलाइन जैसा जल्दी से जल्दी बन जाए, उसकी सारी अच्छी बातों को आप अपने अंदर ग्रहण कर लें, जिससे क्या है कि आप अपलाइन को छोड़ के खुद अपने दम पे जो है वो बिजनेस को बिल्ड कर पाएं। अब तीन जो आपके कार्डिनल रूल हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उससे पहले मैं एक बेसिक बात और आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको यहाँ पे पांच बातें बताई। नंबर वन क्या बताया, लिस्ट बनानी है तो आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, तीसरा एसटीपी करना है, चौथा फॉलोअप करना है, और मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। ये पांच काम आपको करने हैं अगर आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, आप कितने भी पुराने क्यों नहीं है, अगर आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा मैं गारंटी दे रहा हूँ ये पांच काम आप नहीं कर रहे होंगे। इन पांच में से कोई ना कोई एक काम लिस्ट आपकी नहीं बनी हुई होगी, आप वही जो दो चार पांच दस लोग जुड़े हैं बस उन्हीं के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कुछ लोगों की टीम बनाई और वो नहीं चलने के लिए तैयार है तो एक रूल आता है, सर फिर अपने लिस्ट पे काम कीजिए, फिर उनके नीचे नेटवर्क डालिए और फिर आगे बिजनेस बढ़िए, क्योंकि ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, तो आपके सपने आप पूरे करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति शायद नहीं करेगा। तो आपको उस तरीके से काम करना है। मैं आज भी लोगों से बात, मेरे पास फोन आते हैं तो मैं लेफ्ट राइट उनको डालता रहता हूं, और अभी जो मैंने आज आपको घोषणा की है कुछ ही महीनों के अंदर मैं दिखाऊंगा, एक लेफ्ट और एक राइट जिसमें किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, दो लोगों को मैं खुद टीम में जोड़ के दिखाऊंगा और वहां से बिजनेस क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बिजनेस होता है अगर इंसान को करना आता हो, उसकी करने की नीयत हो तो होता है। नीयत बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लोग सोचते हैं कुछ टीम जुड़ गई बस अब ये काम करें उसके बाद हम लोग काम देखेंगे, हमारा तो जैसा भी होगा वो चलता रहेगा। तो अब ये पांच काम जो मीटिंग ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, ये पांच काम किसको करने हैं, सबसे पहले आपको करने हैं। अब यही पांच काम आपकी टीम में तमाम नए लोग जो आ रहे हैं उन सबसे यही पांच काम आपको करवाने हैं रेगुलर बेसिस पे, और हमेशा इन पांच कामों पे आपको फोकस करना है। जैसी कोई नया व्यक्ति आए, सर पहला काम हमारी कंपनी में आना है सर 2 से 3 साल का माइंडसेट, दूसरा सर आपको लिस्ट बनानी, बगैर लिस्ट के उसका प्लान दिखाने जाना ही नहीं है। अगर पहला काम आपने गलत कर दिया, पहले काम में अगर उसको छूट दे दिया, आगे समझ लीजिए रिजल्ट आपके खराब होने वाले हैं। अगर उस व्यक्ति ने लिस्ट नहीं बनाई है तो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, कुछ ही दिनों के अंदर आपको वो एक शब्द बोलने वाला है, सर मेरे पास अब मैं किसी को नहीं जानता हूं, सर अब मेरा काम नहीं हो सकता है। लिस्ट कंपल्सरी कर दीजिए अपनी टीम के अंदर। एक कंपनी हुआ करती थी आपका जनकपुरी के अंदर, एक कंपनी चला करती थी, नाम मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं मेरे को कोई व्यक्ति वहां पे एक बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ले गया था। उस कंपनी का सिस्टम ये था, मंगलवार को वहां पे प्रोग्राम हुआ करता था। उस कंपनी के अंदर जब आप एंटर करते थे हॉल में तो पहले बाहर फाइल चेक होती थी, 200 लोगों के नाम अगर आपने लिखे नहीं है तो आप अपने गेस्ट को लेकर अंदर नहीं जा सकते थे, ये उसके अंदर सिस्टम हुआ करता था। उस टाइम की बात बता रहा हूं, हम तो 50-100 लोगों के नाम की बात कर रहे हैं सर, पेपर पे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। यही पांच काम आपने नीचे टीम के अंदर कराने हैं। अब थ्री कार्डिनल रूल जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी जल्दी मैं आपसे शेयर करता हूं, वैसे तो ये भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी ईगो एंड स्पाउस, यानी कि किसी भी व्यक्ति की पैसे से, उसके ईगो से और उसकी फैमिली से खिलवाड़ ना करें। ये पहला कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी आपके बिजनेस में नहीं होना चाहिए, और आज की डेट में बगैर पैसे के लेन देन के तो लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया है कि आपके साथ जुड़ूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। ऐसे लोग कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते, और कई बार कंपनियों ने यह सिस्टम बना लिया है कि वो खुद पैसा देके लीडर्स को खरीदती हैं, बोलती हैं कि हम आपको पैसा देंगे, और कई केसेस में ऐसा देखा है लोगों ने पैसा देने का वादा किया लीडर ने और आज पिंड छुटा रहा उससे। अब ये खतरनाक है, या तो आप किसी से वादा करो मत, और वादा करो तो उस वादे को निभाओ, इसका मतलब आपकी लीडरशिप ठीक नहीं है, आप एक ट्रू लीडर नहीं हो। या तो वादा करो मत और कर दिया तो उस वादे को निभाओ, तब आपकी लीडरशिप को हम लीडरशिप मानेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने तो आज ये खेल बना लिया है, वो किसी भी लीडर को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं सर मैं आपको हेल्प करूंगा, एक दो महीने हेल्प करी उसके बाद हाथ खींच लिया, अब वो बेचारा नेगेटिव होकर बैठा हुआ है, अब वो फंस गया। तो इस तरीके का पैसे का लेन देन बिल्कुल भी हमारे बिजनेस में नहीं होता है। ये पैसे का लेन देन का बिजनेस नहीं है, ना आपको अपलाइन से पैसा लेना है ना डाउनलाइन से पैसा लेना है। डाउनलाइन से पैसा लेना तो और ज्यादा खतरनाक है, ध्यान रखिए आप, अपलाइन से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना है, पैसे का लेन देन बिल्कुल भी इस बिजनेस के अंदर नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी ने प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया है, कई बार बाई चांस हो सकता है आपकी अपलाइन से बहुत अच्छे संबंध आपके हैं, आपका साथ कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि आपको पैसे की जरूरत है और आपने कुछ उधार पैसे उनसे ले लिए हैं और आपने एक डेट बताई है कि सर इस डेट को मैं आपको पैसे दे दूंगा, अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस डेट तक उस व्यक्ति को पैसे दें।
अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन की नज़रों में आपकी जो एक गुडविल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए पैसे का लेन देन सामाजिक जीवन में भी लोग आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा फंसता है। इस चीज़ को दुकानों के बाहर लिखा होता है कि उधार अगर दिया तो ग्राहक आपका जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो पैसे का लेन देन इस बिजनेस में नहीं करना, ये पहला कार्डिनल रूल है। दूसरा, किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुँचानी है। अब किस किस की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है? सबसे पहली चीज, आपको अपनी अपलाइन, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन से चलेगा तो अपलाइन की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। कई लोग अपलाइन के बारे में गलत बात बोलते हैं, कई लोग मुंह पे बोल देते हैं, कई पीठ पीछे बोल देते हैं, वो घूम के बात आ जाती है, सर आपके बारे में वो आदमी ऐसे बोल रहा था। क्योंकि आपको क्या लगता है, अपलाइन की एक ही डाउनलाइन है? बहुत सारी है, कोई अपलाइन के टच में ज्यादा है, रिलेशन अच्छे होते हैं, किसी के बेकार होते हैं। अब आपने किसी अच्छे रिलेशन वाले को बता दिया, उसने जाके अपलाइन को बता दिया सर आपके बारे में ऐसे बोल रहे, तो अपन कहेगा ठीक है यार, चल ऐसा वो मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है तो ठीक है यार, हम उनके साथ क्यों काम करेंगे, वो आपसे पीछे छुड़ाना शुरू कर देता है। तो अपलाइन की ईगो को कभी ठेस नहीं पहुंचाना है, ध्यान रखें। ये बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस है, यहां पे ना आप हमारे नौकर हो, ना हम आपके नौकर हैं, ना मेरी अपलाइन मेरी नौकर है। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो यहां पे अपलाइन को किसी भी तरीके के इस तरीके के शब्द आपको नहीं बोलने हैं जिससे उनकी ईगो हर्ट हो। दूसरा, अपने डाउनलाइन को नहीं बोलने हैं, एज ए अपलाइन मुझे अपने डाउनलाइन को इस तरीके के शब्द नहीं बोलने हैं जिससे मेरे डाउनलाइन की ईगो हर्ट हो जाए। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, वो डाउनलाइंस को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे उनके नौकर हों या गुलाम हों। बदतमीजी से बात करना, उनको ऑर्डर देना, ऑर्डर देने का बिजनेस थोड़ी है सर, ये सिखाने का बिजनेस है, प्यार से मोहब्बत से रिलेशन बिल्ड करने का ये बिजनेस है। तो ऐसी कोई बात उसको ना बोलें कि जिससे उसको हर्ट हो जाए और वो इस बिजनेस को छोड़ दे। तो पहले अपलाइन की ईगो को हर्ट नहीं करना, दूसरा अपलाइन को डाउनलाइंस या आपको अपने डाउनलाइंस की ईगो को हर्ट नहीं करना है, और तीसरा चीज, जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जा रहे हैं वो हो सकता है फुल्ली नेगेटिव बैठा हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, हो सकता है वो फुल्ली नेगेटिव हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से और वो आपकी कंपनी की बुराई कर रहा है, वो आपकी अपलाइन की बुराई कर रहा है, वो इस इंडस्ट्री की बुराई कर रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट की बुराई कर रहा है, ऐसे में उसकी ईगो को भी हर्ट नहीं करना है। अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने उसको गलत बोल दिया, कल को आना भी चाहेगा तो आपके साथ नहीं आएगा, किसी और के साथ चला जाएगा। तो यह बात ध्यान रखें, जब भी प्रेजेंटेशन दिखाएं किसी भी रूप में ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे आपके गेस्ट की ईगो हर्ट हो जाए। कई लोग जैसे जॉब करते हैं तो आज की डेट में तो प्रचलन बना लिया है, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने प्रचलन बना लिया। वो प्रचलन क्या है कि नौकरी क्या है जी, नौकरी तो बेकार है जी, कब तक नौकरी करते रहोगे जी, नौकरी से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते जी, नौकरी तो कुछ नहीं होती जी। अरे भैया, उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हो बेचारे जी आप। उसको दूसरे तरीके से समझाना है कि नौकरी से क्यों आप अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप अकेले काम करते हो, जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, समझाने का तरीका होता है। लेकिन हम सीधा से जाके लठ मार देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं, नौकरी करते हो सर, नौकरी में क्या रखा सर, नौकरी तो कुछ भी नहीं है सर, तो उसकी ईगो को हर्ट हो जाती है। क्योंकि नौकरी उस टाइम उसकी रोजी रोटी है, उसके घर का जीविका उससे चल रही है, तो किसी भी तरीके का हर्ट उसको नहीं करना है। कोई ऑटो चलाता है तो क्या सर ऑटो चलाते हो सर, ऑटो चलाना कोई काम होता है सर, या कोई बेचारा रेड़ी लगाता है, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, इस तरीके की कोई बात अगर आप उसको बोलते हो, या कोई कहता है सर मैंने एक दो कंपनी की दी, अरे सर आपने क्या कंपनी की, आपको कुछ नॉलेज नहीं है सर, मैं आपको समझाता हूं, इस तरीके की बातें अगर हम बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी ईगो को हर्ट करते हैं। तो अपलाइन की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, डाउनलाइंस की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, और सबसे बड़ी बात जो है, जो भी आपके संपर्क में नए गेस्ट आते हैं उनकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है, तो ईगो को हट नहीं करना। और तीसरा, ये बिजनेस फैमिली में एंटर करने का बिजनेस है, रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। सेमिनार में महिलाएं भी आती हैं, सेमिनार में आपसे बड़ी उम्र की लेडी भी आती हैं, और सेमिनार में आपसे कम उम्र की जो बच्चियां हैं वो भी आती हैं। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि एक फैमिलियर होना चाहिए, कि जब भी लेडी आपके साथ आके बैठें या जब भी आप किसी घर में एंटर करें तो वो अपने आप को सेफ महसूस करें। बहुत सारे गलत नियत के लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है, एक अपलाइन और डाउनलाइन, डाउनलाइन लेडीज है और अपलाइन जो है वो जेंट्स है, वो दोनों कहीं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, तो पीठ पीछे लोग उनके बारे में गलत बात बनाते हैं, खुद उसी कंपनी के लोग जो उस कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो थिंकिंग है उस लेडी को लेके, उस जेंट्स को लेके गलत है। आपने इस चीज को मान लिया, लेडीज और जेंट्स अगर एक साथ कहीं जा रहे हैं तो उनके अंदर गलत रिलेशन ही होंगे, या आप गलत निगाह से हर लेडी को देखते हैं अगर इस तरीके का काम करते हैं। क्योंकि अब किसी फैमिली में आप जा रहे हैं, उनकी फैमिली में जाने के बाद अगर आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं गलत है। तो कोई भी महिला आपके संपर्क में आती है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे, वो सुरक्षित महसूस करे, और एक रेस्पेक्ट देते हुए हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो किसी के स्पाउस के साथ
कोई भी किसी भी तरीके की बदतमीजी या कोई भी गलत काम या गलत निगाह से देखना या गलत सोचना, ये इस इंडस्ट्री के खिलाफ है। तो पहला कार्डिनल रूल, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना और किसी की स्पाउस जो है उसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। ये इस बिजनेस के पहले कार्डिनल रूल के अंदर आता है। इस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए अगर चरित्र आपने खो दिया, कहीं ना कहीं चरित्र अगर हम लोगों ने खो दिया, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स को हमने जमीन पर आते हुए देखा है और हर किसी को देख के अगर आपकी निगाह अगर गलत है तो कहीं ना कहीं फिर आप एक गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, आप फिर इस इंडस्ट्री का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकते हैं। दूसरा जो कार्डिनल रूल है वो है, फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद योर अपलाइन। जब भी कुछ नया करने का मन करें, जब भी कुछ नया ट्राई करने का मन करें, तो अपनी एक्टिव अपलाइन से एक बार संपर्क जरूर करें। आप अपने आप को चेक कीजिए, जब भी आपको लगता है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है या बिजनेस बहुत तेजी से नहीं आ रहा है, आप अपलाइन से संपर्क नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं उस सिस्टम के अंदर और काम करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, आप गलती कर बैठते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी कुछ नया करने का मन कर रहा है, जो सिस्टम ने नहीं बोला आपको, जो अपलाइन ने आज तक नहीं समझाया, ऐसा कुछ नया अगर ट्राई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछ जरूर लें कि सर मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, सही है या गलत है, मुझे राय दीजिए। पूछने का मतलब है सही या गलत है मुझे राय दीजिए, पूछने का मतलब ये नहीं है कि सर ये मैंने फाइनल कर दिया है। फाइनल कर दिया है तो पूछने का कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे डाउनलाइन ऐसी होती हैं जो मन में फाइनल कर चुके होते हैं, लेकिन जानबूझ के वो अपनी अपलाइन से पूछते हैं, लेकिन उनके मन में डिसाइड हो चुका था, करना तो मैंने अपने मन की है, लेकिन अपलाइन को दिखाने के लिए कि चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो कोई भी नया एक्शन लेने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर संपर्क करें, क्योंकि अपलाइन के पास आपसे ज्यादा अनुभव है। तो नया ट्राई करने का पहली बात तो ये बिजनेस नहीं है, और अगर फिर भी ट्राई कर रहे हैं तो अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की परमिशन लीजिए। अगर वो ओके करते हैं तो आप इसको कर दीजिए। इसमें सिंपल सी बात बताता हूं, जो चीज डुप्लीकेबल ना हो उस चीज को कभी भी आपको अपनी टीम के अंदर नहीं करना। जैसे पैसे का लेन देन डुप्लीकेबल नहीं है तो ये नहीं करना है, रिवार्ड अवार्ड आप निकालते रहते हैं ये डुप्लीकेबल नहीं है, इसको नहीं करना है। आप छोटा सा रिवार्ड निकाला कि मैं अपनी टीम को, आपके पास पैसा आ रहा है, मान लीजिए अपनी टीम को मैं एक अलग से ट्रीटमेंट दे रहा हूं किसी 5-स्टार होटल में, डुप्लीकेबल नहीं है। किसी के घर में जा रहे हैं, आपने बहुत सारा नाश्ता रख दिया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये वो समोसे वगैरह, अब वहां पे 4 नए गेस्ट और आए हुए हैं, डुप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक चाय और एक बिस्कुट ये डुप्लीकेबल है, किसी गरीब से गरीब के घर में भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम जो डुप्लीकेबल ना हो उस काम को हमें कभी भी नहीं करना है, जो काम डुप्लीकेबल हो उस काम को हमें करना है। इसीलिए हम बोलते हैं पेपर प्लान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बोर्ड प्लान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पेपर और बोर्ड प्लान डुप्लीकेबल होता है, हर व्यक्ति कर सकता है, लैपटॉप हर किसी के पास नहीं होता, गैजेट्स हर किसी के पास नहीं होते हैं, तो वो डुप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पेपर और आपका बोर्ड प्लान जो है वो डुप्लीकेबल होता है। तो ऐसा कोई भी काम जो नया हो, जो आज तक आपकी अपलाइन ने नहीं बताया, आपकी कंपनी के सिस्टम ने नहीं बताया, उसको ट्राई करने से पहले अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है दूसरा कार्डिनल रूल, ये गांठ बांध लीजिए, बगैर अपलाइन से पूछे कोई भी नई एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको नहीं करना है। और तीसरी चीज, नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन। कुछ भी नेगेटिव किसी को भी आपको नहीं बोलना है। ये बिजनेस, मैंने अगेन बता रहा हूं, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, कोई आपका गुलाम नहीं है, कोई आपका नौकर नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव वर्ड जो है आपने नहीं बोलना है। किस किस को नहीं बोलना है? अपनी डाउनलाइन को कभी नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं, गलत वर्ड्स उनको नहीं बोलने, गलत एजुकेशन उनको नहीं बोलनी है, अपलाइंस की बुराई उनके सामने नहीं करनी है, सिस्टम की बुराई उनके सामने नहीं करनी है। सिस्टम है, कई बार सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैलेंज आएंगे, तो वो बुराई आपको नहीं करनी है। और अपनी अपलाइन को भी नेगेटिव नहीं बोलना है। कई लोग अपलाइन को बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव आप शेयर जरूर कर सकते हैं, पूछ जरूर सकते हैं, सर ये वीडियो आया है, ये चीज आई है, आप सर बताइए क्या इस तथ्य में सही है या गलत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कोई नेगेटिव वीडियो आएगी वो सीधा डाउनलाइन में शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो अपने डाउनलाइन से किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव जो स्पीच है वो आपने बिल्कुल भी उनसे नहीं करना है। नेगेटिव जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल भी अपने डाउनलाइन से नहीं करनी है। और इस बिजनेस में एक रिलेशन होता है अपलाइन, एक रिलेशन होता है डाउनलाइन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण रिलेशन होता है वो होता है क्रॉस लाइन। तो अपलाइन से भी गलत बातें नहीं बोलनी है, एक बार को अपलाइन से शेयर जरूर कर सकते हैं, वो आपको सलाह देगा। डाउनलाइन से कभी भी कोई नेगेटिव बात आपको नहीं बोलनी है, डाउनलाइन से कभी भी कोई नेगेटिव बात आपको नहीं बोलनी है। और एक जो सबसे बड़ा जो एक सपोर्टिंग सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है वो है क्रॉस लाइन।
तो क्रॉस लाइन से भी कभी नेगेटिव बात नहीं बोलने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी टीम में तो अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब क्रॉस लाइन का व्यक्ति बैठता है उसके साथ नेगेटिव डिस्कशन उनका चालू हो जाता है। तो क्रॉस लाइन के साथ भी कभी भी आपको नेगेटिव डिस्कशन आपको नहीं करना है। तो ये 3 कार्डिनल रूल पे आप ध्यान देंगे, और ये जो 4 बेसिक जो मैंने बताया उसमें ट्रेनिंग मीटिंग का भी मैंने ऐड किया, 5 बेसिक जो मैंने आपको बताए, और ये 3 कार्डिनल रूल अगर आप अपनी टीम के अंदर घोट घोट के पिलाना शुरू कर देंगे। जो भी व्यक्ति आए लिस्ट बनाइए सबसे पहले, जो भी व्यक्ति आए फिर उसको समझाइए कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है, सर इसी तरीके से हम प्लान करते हैं, हर जगह हम प्लान नहीं कर सकते हैं और ना करने जाना है आपको। आप जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक आपकी टीम के अंदर वो सिस्टम डेवलप नहीं होगा। तीसरा, एसटीपी कैसे देना है वो उनको सिखाइए। जब आप प्लान दे रहे हो तो उनको सिखाइए, सर 5-7 प्लान मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप इसको डुप्लीकेट कीजिए, और 4-5 प्लान करने के बाद उससे प्लान करवाना शुरू कर दीजिए। उसको फॉलोअप कैसे करना है फॉलोअप करना सिखाइए, मीटिंग ट्रेनिंग में आना ये सिखाइए, ये सारी चीज अपने अंदर डेवलप कीजिए। ये 3 चीजें और बताइए कि भाई हमारे को किसी के पैसे, किसी की ईगो और किसी के स्पाउस से किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत जो है हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दूसरा जो कार्डिनल रूल को बता दीजिए कि भाई कोई भी नया काम अगर आपको करना है तो अपने मन से नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपलाइन से हमसे पूछना है। और तीसरा चीज, कोई भी नेगेटिव चीज वो डाउनलाइन या क्रॉसलाइन के अंदर हमें फॉरवर्ड नहीं करनी है। ये अगर इन चीजों पर आप काम करेंगे तो मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं कि ये बिजनेस ना चले। लेकिन इस चीज में क्या है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और टाइम आप और हम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको बुनियाद अगर मजबूत करनी है, उसके ऊपर बड़ा एम्पायर अगर खड़ा करना है, तो इन चीजों को घोट घोट के टीम के अंदर पिलाना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आज का ये लाइव सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर कीजिए जिससे लोग इस चीज को समझ पाए। और अगेन रिपीट कर रहा हूं एक बहुत बड़ी बात कि आपको किसी भी एक कंपनी के अंदर 2-3 साल का कम से कम माइंडसेट लेके आना चाहिए, आके एंटर करना चाहिए। आएंगी उनके चक्कर में रोज रोज कंपनी आएगी, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आशा करता हूं ये लाइव आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट लाइव जो अब मैं करूंगा वो एक अच्छी अपलाइन क्या होती है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट लाइव करूंगा, बहुत जल्दी उसका पोस्ट आपको फेसबुक के माध्यम से मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।